लद्दाख आधारित दुर्कपा वंश के ग्यालवांग दुर्कपा के नेतृत्व में लद्दाख की हेमिज मोनेस्ट्री से शुरू हुई 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा के तहत 250 मोह को नन्हे पंजाब में पहुंचे। दुर्कपा वंश जिसे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और विविधता का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है, वहीं लिंग असमानता को दूर करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का उद्देश्य से साइकिल यात्रा शुरू हुई जो गुरदासपुर में पहुंची। यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई को काठमांडू से शुरू हुई थी। वहीं साइकिल यात्री ने बताया कि यात्रा लेह से 45 किलोमीटर दूर हेमिज मोनेस्ट्री पर समाप्त होगी। हमने ये यात्रा नेपाल के काठमांडू से 3 जुलाई को शुरू की थी। हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना, नारी सशक्तिकरण और तीर्थ यात्रा तथा प्यूरिफिकेशन। और हमारी इस यात्रा में जब हमने यात्रा शुरू की थी तो 500 पार्टिसिपेंट थे, मगर कुछ लोग कुछ आवश्यक काम से और कुछ लोग स्वास्थ्य की वजह से वापस गए हैं। अभी तो हमारे साथ यहाँ पर 200 यात्री उपस्थित हैं और तो कल के साथ हमारा 1 महीना पूरा हो रहा है और हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव लद्दाख में होगा। गुरदासपुर से सुखदेव सिंह, खबर हरपल, इंडिया।